जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। हिंदू धर्म में 12 मास में एकादशी के 24 व्रत पड़ते हैं। इन्हीं में एक है शतिला एकादशी। शतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस साल यह तिथि 7 फरवरी को है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने पर पापों का नाश होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तिल के 6 प्रयोग के कारण ही इसे शतिला एकादशी नाम दिया गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी भक्त शतिला एकादशी के दिन उपवास करते हैं, साथ ही दान तर्पण और विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का अंत होता है। आइए जानते हैं शतिला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। शतिला एकादशी का महत्व। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल एकमात्र शतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वास होता है। मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होता ही है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व है। व्रत से एक दिन पूर्व ही व्रती को संयमित जीवन अपना लेना चाहिए, यानी एकादशी से पूर्व दशमी पर व्यक्ति को रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। काम क्रोध लोभ और मोह की भावना को त्याग कर सच्ची श्रद्धा से व्रत का संकल्प लें। व्रत में ऐसी रखें दिनचर्या। शतिला एकादशी का व्रत पूरे दिन निराहार रहकर किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार फलों का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें। पारण से पहले ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाएं और क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात पारण कर सकते हैं। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मात परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को, सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। शतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। शतिला एकादशी 7 फरवरी 2021 रविवार को। शतिला एकादशी के दिन एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 फरवरी दिन रविवार को सुबह 6:26 से हो रहा है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी दिन सोमवार को 4:47 पर। शतिला एकादशी का पारण समय 8 फरवरी दिन सोमवार को 1:41 से 3:51 पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय 10:25 AM। वैष्णव शतिला एकादशी 8 फरवरी 2021 सोमवार को। वैष्णव एकादशी के लिए पारण समय 7:08 AM से 9:19 AM। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। शतिला एकादशी की पूजा विधि। सभी एकादशी की तरह शतिला एकादशी व्रत के नियम भी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को दूसरे प्रहर के भोजन के पश्चात कुछ न खाएं ताकि आपके पेट में अन्न का अंश न रहे। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छींटे दें और धूप दीप कर घर में घट स्थापना करें। फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और उनकी आरती उतारें। इस दिन भगवान को तिल का भोग लगाएं, साथ ही तिलयुक्त फलाहार खिलाएं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए तिल का दान करें। बताया जाता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करें और भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। उसके बाद किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं पारण मुहूर्त में भोजन ग्रहण करें। जय श्री हरि, जय श्री राम। शतिला एकादशी पर तिल का महत्व। इस दिन तिल का महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन 6 तरह के तिल का प्रयोग किया जाए तो पापों का नाश होता है और आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन तिलों का प्रयोग परम फलदायी माना जाता है। जो भी व्यक्ति शतिला एकादशी का व्रत करता है
उसे वाचिक, मानसिक और शारीरिक पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल के जल से स्नान करें। सबसे पहले तिल का प्रयोग स्नान वाले जल में करें और स्नान के बाद पीले कपड़े पहनें। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होगा और भाग्य के द्वार खुलने लगेंगे। तिलों के इस उपयोग को परम फलदायी माना गया है। पिसे हुए तिल का उपटन करें। तिल का दूसरा प्रयोग तिल का उपटन लगाकर करें। ऐसा करने से सर्दी के मौसम में आपको फायदा मिलेगा। इससे शरीर में आपको आवश्यक ऊर्जा मिलेगी और सर्दी के विकारों से दूरी रहेगी। तिलों से हवन करें। तिल के तीसरे प्रयोग में पूर्व की ओर मुंह करके 5 मुट्ठी तिलों से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और आहुति दें। इससे आपको मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिलांजलि, तिल से तर्पण करना। तिल का चौथा प्रयोग तर्पण करके करें। इसके लिए आप ब्राह्मण के साथ दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और पितरों के लिए तिल से तर्पण करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन की अनावश्यक परेशानियां और बाधाएं दूर होती हैं। तिलों का दान करें। तिल का पांचवा प्रयोग दान करके करें। महाभारत में उल्लेख है कि जो भी मनुष्य माघ मास में ऋषि मुनि और गरीबों को तिल का दान करता है वह कभी नरक के दर्शन नहीं करता है। माना जाता है कि माघ मास में जितने तिलों का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। तिल का छठवां प्रयोग खाने में करें। शाम के समय तिलयुक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सेवन करें। इस दिन पूजा में तिलयुक्त फलाहारी रखनी चाहिए और ब्राह्मणों को भी तिलयुक्त फलाहार कराना चाहिए। भूल से भी ना करें ये काम। इस दिन प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाने चाहिए और न ही किसी को चावल दान करने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन में सोना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन मन को शांत रखें और भूले से भी माता पिता और गुरुजनों का अनादर न करें। एकादशी के दिन मसूर, उड़द, चने, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके बुरे कामों से भी दूरी रखनी चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपटादि अन्य कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल न कटाएं। मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। एकादशी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम।